जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है जोधपुर से जयपुर होते हुए इंदौर तक जाने वाली रणथंबोर एक्सप्रेस की। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है चित्रांकन सोलंकी ने। आज इस ट्रेन की पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जोधपुर से इंदौर तक जाने वाली रणथंबोर एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 12466, यह ट्रेन दोस्तों राजस्थान के जोधपुर से शुरू होकर मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह रणथंबोर एक्सप्रेस 910 किलोमीटर की अपनी यात्रा को 16 घंटे और 35 मिनट में तय करती है। इस दौरान इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की। इस ट्रेन का संचालन करता है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और ये जो ट्रेन है दोस्तों ये रोजाना चलने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन हर दिन जोधपुर से रवाना होती है और जयपुर कोटा से होते हुए उसी दिन इंदौर में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के बीच में करीबन 31 स्टेशनों पर ठहराव रहता है और यह एक मेल टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें नए LHP श्रेणी के कोच लगते हैं जिसमें AC3 टायर के कोच लगते हैं। AC3 टायर के कोच का जोधपुर से इंदौर तक का किराया रहता है 1,270 रुपये। AC चेयर कार के इसमें कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 1,055 रुपये। इस किराए में दोस्तों GST रिजर्वेशन और बेस फेयर चार्ज शामिल रहता है। स्लीपर क्लास के इसमें कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 485 रुपये। इसमें GST को छोड़कर बाकी सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। सेकंड सीटिंग के इसमें कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 285 रुपये और सामान्य क्लास के कोच का किराया रहता है 250 रुपये। यह किराया दोस्तों जोधपुर से इंदौर तक का बताया गया है, परंतु समय के साथ इस किराए में परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले इस किराए को एक बार आप चेक अवश्य कर लें। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा मिल जाएगी। कैटरिंग संबंधित सुविधाओं में इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन को जोधपुर से सवाई माधोपुर जंक्शन तक भगत की कोठी लोको शेड का WDP4, WDP4B या फिर WDP4D इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है और सवाई माधोपुर जंक्शन से इंदौर तक इसे BRC लोको शेड का WEB7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस रणथंबोर एक्सप्रेस के सभी स्टेशनों को और उनके टाइम टेबल को हम विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों जोधपुर से इंदौर तक जाने वाली रणथंबोर एक्सप्रेस रोजाना सुबह 5:50 पर जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है और दोस्तों जोधपुर से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है रायका बाग पैलेस जंक्शन। सुबह के 5:57 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 1 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 5:58 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है गोटन सुबह के 6:53 पर और 6:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मेड़ता रोड जंक्शन सुबह के 7:17 पर और 7:19 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है रेन सुबह के 7:35 पर और 7:36 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है डेगाना जंक्शन सुबह के 7:52 पर और 7:54 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मकराना जंक्शन सुबह के 8:37 पर और 8:39 पर यह ट्रेन मकराना जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कुचामन सिटी सुबह के 8:54 पर और 8:56 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नावा सिटी सुबह के 9:09 पर और 9:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सांबर लेक सुबह के 9:31 पर और 9:32 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है फुलेरा जंक्शन
सुबह के 10:05 पर और 10:06 पर यह ट्रेन फुलेरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका एक मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है जयपुर जंक्शन। सुबह के 10:50 पर यह ट्रेन पहुंचती है जयपुर जंक्शन और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 11:05 पर यह ट्रेन जयपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। जयपुर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 310 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जयपुर के ही दुर्गापुरा में सुबह के 11:14 पर और 11:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका एक मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बनस्थली नीवाई सुबह के 11:54 पर और 11:56 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ईसरदा दोपहर के 12:16 पर और 12:18 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है चौथ का बरवारा दोपहर के 12:38 पर और 12:40 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है सवाई माधोपुर जंक्शन। दोपहर के 1:15 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 1:25 पर यह ट्रेन सवाई माधोपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। सवाई माधोपुर जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं और यहाँ पर इस ट्रेन का इंजन चेंज होता है, इसमें डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी दोपहर के 1:51 पर और 1:52 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है लाखेरी दोपहर के 2:02 पर और 2:03 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कोटा जंक्शन दोपहर के 2:45 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 2:55 पर यह ट्रेन कोटा जंक्शन से रवाना हो जाती है। कोटा जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 550 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डकनिया तालाब दोपहर के 3:08 पर और 3:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रामगंज मंडी दोपहर के 3:58 पर और शाम के 4 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है भवानी मंडी शाम के 4:21 पर और 4:23 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मध्य प्रदेश के गरोठ में शाम के 4:39 पर और 4:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है शामगढ़ शाम के 4:48 पर और 4:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सुवासरा शाम के 5:09 पर और 5:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है चौमहला शाम के 5:31 पर और 5:32 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है विक्रमगढ़ आलोट शाम के 6:04 पर और 6:05 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महिदपुर रोड शाम के 6:34 पर और 6:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है नागदा जंक्शन शाम के 7:15 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 25 मिनट ठहरने के बाद शाम के 7:40 पर यह ट्रेन नागदा जंक्शन से रवाना हो जाती है। नागदा जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 775 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहाँ पर इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उज्जैन जंक्शन रात के 8:35 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 8:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है देवास जंक्शन रात के 9:41 पर और 9:43 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर जंक्शन रात के 10:25 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 910 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है।
तो दोस्तों ये थी जोधपुर से जयपुर कोटा होते हुए इंदौर तक जाने वाली रणथंबोर एक्सप्रेस की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।